इंडिया का सिक्स्थ मेडल आ चुका है। 21 साल की उम्र में इंडिया के लिए रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नाम है अमन सहरावत, यंगेस्ट इंडिविजुअल मेडल विनर फ्रॉम इंडिया। कई सालों के बाद जो एक क्विज में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कहेंगे वी वर देयर व्हेन वी सॉ अमन सहरावत बिना स्माइल किए मेडल उठा रहे थे। बिल्कुल, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा। उन्होंने पुर्तो रिको के ओपोनेंट को आसानी से हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड जस्ट डाइजेस्ट द फैक्ट, ही इज जस्ट 21 इयर्स ओल्ड। जस्ट 21, मतलब क्या खूबसूरत कहानी भी है उसके साथ साथ। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि उज़्बेकिस्तान के ओपोनेंट को उन्होंने पहले बाय बाय बोला, उसके बाद वो जैपनीज नंबर वन रास्ते में आ गया था। फिर हमको डर लगने लगा, भाई मेडल आएगा कि नहीं आएगा। वो जैपनीज तो गोल्ड जीत गया, he deserved to number one seed and all that, लेकिन अमन सहरावत ने कहा नहीं भैया, पुर्तो रिको के हो गए हम, आल छत्रसाल से आते हैं। तो अच्छा, बाय द वे अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कुल मिलाकर रेसलिंग से अभी तक 8 मेडल आए हैं इंडिया के इतिहास में, राइट 5 छत्रसाल से आए हैं। छत्रसाल इज लाइक द नर्सरी ऑफ रेसलिंग, वहां से ये निकल के आए। उनकी कहानी पे जाएंगे, बट थोड़ा सा गिन लेते हैं अभी तक मेडल्स कितने आए रेसलिंग में। केडी जादव 1952 हेलसिंकी गेम्स, उसके बाद तो खैर 2008 से एक परंपरा चली आ रही है। फिफ्थ कंसेक्यूटिव ओलंपिक मेडल है कंट्री के लिए, और अब बड़े बड़े दिग्गज रेसलर्स के साथ इनका नाम लिया जाएगा। सुशील कुमार, यस, योगेश्वर दत्त, साक्षी मालिक, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, बिल्कुल। और बाय द वे, रवि कुमार दहिया को तो ये आइडल मानते थे। अब 11 साल की उम्र में आप अपने माँ बाप को खो देते हो। इमेजिन वॉट यू आर गोइंग थ्रू, इट्स अ ट्रेजेडी लाइक नो अदर। नोबडी नोज दैट फीलिंग बेटर देन अमन सहरावत। उसके बाद उनके ग्रैंडफादर उनको रेस करते हैं, वो इंस्पिरेशन लेके छत्रसाल पे पहुंचते हैं। वहां पे रवि दहिया से कहते हैं, आपके चरणों में मैं हूँ, आप मुझे बताइए कि मुझे ओलंपिक के में रेसलिंग में मेडल कैसे आ सकता है। वो पूरी तरीके से गाइड करते हैं। रवि कुमार दहिया, जैसे अभी सागा बता रही थी, वो द सिल्वर मेडलिस्ट एट टोक्यो गेम्स, उसी वेट कैटेगरी में पहुंचते हैं अमन सहरावत। Exactly. और उसी वेट कैटेगरी में अपने ही आइडल, अपने ही इंस्पिरेशन को ओलंपिक ट्रायल में हरा के वो पहुंच जाते हैं ओलंपिक गेम्स में, रवि कुमार दहिया। लेकिन जियो सिनेमा पे कवरेज देख रहे होंगे, बट सबसे ज्यादा फक्र उनको भी हो रहा होगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी दिया है, कहते हुए हाउ प्राउड ही इज, कांग्रेचुलेटरी मैसेज दिया है उन्होंने अमन सहरावत के लिए। एंड इट मस्ट बी लाइक, ये जो चांस उन्होंने लिया था अमन सहरावत ने, रवि कुमार दहिया को क्वालिफिकेशन में हरा कर वो पहुंचे थे, और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस नहीं की। ही वन द मेडल एंड ही इज कमिंग बैक। थोड़ा प्रेशर तो होगा अमन पे, क्योंकि जैसे तुम बता रही थी 2008, 12, 16, 21 में मेडल आते हैं और अचानक सब खामोश हो जाते हैं। स्टूडियो में मैं साक्षी मलिक के साथ बैठा हुआ था, वो भी थोड़ी सी डरी हुई सहमी सी थी, तो यार अनंत एक्चुअली रेसलिंग में मेडल नहीं आने वाला क्या इस बार। बट शी ऑल्सो हैड दिस बिलीव, क्योंकि ही वॉज द ओनली मेल रेसलर इन द कंटिजेंट। वो पहले रेसलर थे जिन्होंने एक्चुअली हमारे लिए ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया। ही डिजर्व टू बी देयर एंड ही शोड व्हाई ही डिजर्व टू बी देयर। एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी फॉर्चुनेट, आई नो यू वर वॉचिंग इट ऑन टीवी, और तुम कह भी रही थी कि यार वो मेडल सेरेमनी आने वाली है, द गाय जस्ट डिड नॉट स्माइल इन द मेडल सेरेमनी। और ये हमने शूटर्स के साथ भी देखा था, वो कामनेस ही कंपोजर कहाँ से लाते हैं यार। बट एक बात है कि पेरेंट्स मस्ट बी वॉचिंग फ्रॉम अप अबव इन द हेवन एंड विल बी द प्राउडेस्ट ऑफ हिम। बट ही इज नॉट फैमिली लेस, राइट, वी आर ऑल हिज फैमिली नाउ इन एनी केस, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी कैप्ड विद अ ब्रॉन्ज मेडल। नो, ही डिड डेडिकेट हिज मेडल टू हिज पेरेंट्स, ही सेड वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक रेसलर बनूं, और आज का ये ओलंपिक मेडल मैं उन्हें डेडिकेट करता हूं। एंड इट्स अ फुल सर्कल फॉर हिम एट सच अ यंग एज। ये हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, भाई फ्यूचर कितना है आगे। ही इज जस्ट 21, ही एंड स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, 25 साल की उम्र में वो LA 2028 में दिखेंगे। दैट्स व्हेन अ रेसलर स्टार्ट्स टू रियली पीक। I mean, the possibilities are limitless, and the hopes are obviously infinite. Aman Sehrawat, salaam hai aapko. Chhada medal aa chuka hai Bharat ke liye. One more bronze added to the kitty, aur wrestling ki wo parampara jo hai medal lane ki wo jari hai. Hum kehte hai na, medal chahiye to wrestlers ki taraf. Bilkul. Bhai, Olympics ab khatm hone aa raha hai. Who all we do we have in action now? Well, our golfers have not been doing so well on round 3. Aditi Ashok, Deeksha Dagar, dono se ummeedein thodi si thi, but the pack is very strong. The competition field is very strong, so not really expecting much there. But Ritika Hooda, 76 kg wrestling mein aapko dikhne wali hai. 72 se badha ke apna weight 76 mein wo aayi hai. You just never know. These are the Olympic Games, right? हमने कुछ खूबसूरत कहानियां देखी हैं और हमने डिस्कस किया है गेम फेस ऑन पे। रितिका हुडा, मेडल नंबर 7. You just never know. You guys stay tuned to Game Face On. हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। मीम्स पार्ट 2 पर रिएक्शन भी आ रहा है। So subscribe to our channel, like our videos and share. Bye.